राम राम बच्चा पार्टी, जय भोले ग्यारह, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल न्यू वीडियो में। बेटा इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वन शॉट रिवीजन किसका भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, जो कि हमारा यूनिट 3 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10 के सिलेबस में। यहाँ पर बेटा इसको पूरा रिवाइज कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ देखने वाले हैं। तो फटाफट से बिना किसी तरीके आराम से भाई साहब वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटा, आपको डेटाबेस के बारे में इसमें पढ़ना है, उससे पहले आपको जान लेना है कि डेटा का मतलब क्या होता है यार। देखो डेटा जो होता है वो कच्चा एक तरीके से फॉर्म होती है फैक्ट्स और फिगर्स की, मतलब जैसे आपको दे दिया किसी ने क्या कि 3 दीप्ति 1988, मतलब ऐसे ये जो चीज है ना, ये हमारे पास डेटा है, हमें इसका मतलब नहीं समझ आ रहा। लेकिन जब अपने इसको इंटरप्रेट कर दिया, इसका एक मतलब निकाल दिया क्या कि दीप्ति हैज ऑब्टेंड 1988 और 70 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स, तो इससे क्या हो गया, हमने इस डेटा को इंटरप्रेट करके कुछ मीनिंगफुल बना दिया। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, इस चीज को कहा जाता है इंफॉर्मेशन। तो ये होता है इंफॉर्मेशन जो कि प्रोसेस्ड डेटा होता है। ठीक है बेटा, अब इतना समझने के बाद यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ क्या कि डेटा बेस क्या होता है सर, जो हमारे चैप्टर के हेडिंग है। देखो डेटा बेस कुछ नहीं बल्कि कलेक्शन होता है डेटा का, जिसमें हम डेटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में स्टोर करते हैं, मतलब टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं आप वहां पर। ठीक है, और वहां से आप टेबल से डेटा रिट्रीव कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशन भी उसमें कर सकते हो। बाकी डेटा बेस में आप एक से ज्यादा टेबल्स भी बना सकते हो। अब जो टेबल होती है बेटा, उसमें तो आपको पता ही है क्या होता है साहब, रोज और कॉलम्स में ही होती है हमेशा। अगर हम बात करें तो रोज को क्या कहा जाता है, यहाँ पर रिकॉर्ड्स कहा जाता है। जैसे आपकी ये एक रो है, ये मेरी क्या कहलाएगी, ये सिंगल रिकॉर्ड कहलाता है। बाकी अगर हम रिकॉर्ड्स जैसे प्लूरल वर्ड हो गया, अगर उसको सिंगल बनाना चाहे तो सिंगल में उसे ट्यूपल भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें तो जो ये बेटा एक एक कॉलम होता है ना, जैसे आपको दिख रहा है रोल नंबर मार्क्स इंग्लिश, ये क्या है, ये आपकी फील्ड कहलाती है। फील्ड क्यों, क्योंकि यार ये एक मतलब क्या, एक कोई उसकी एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कर रही होती है वहां पर, इन्हें एट्रीब्यूट भी अपन कह सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो बेटा इनके इंटरसेक्शन को, तुम्हें पता ही अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जहां पर हमारा मेन डेटा स्टोर होता है। तो रिकॉर्ड, डेटा, फील्ड, सब बातें समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करें तो मेन पॉइंट की, बेटा जो डेटा बेस होता है उसमें बेसिकली 3 लोगों का काम होता है, डेवलपर्स, एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूजर। डेवलपर वो जिसने डेटा बेस बनाया, जिसने सारा डेटा उसमें स्टोर करके रखा या उसे क्रिएट करा। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर वो जिसने बेटा डेटाबेस का वो मतलब रेगुलर ट्रैक रखता है और ऑथराइजेशन प्रोवाइड कराता है अपने यूजर्स को कि हाँ तुम चला सकते हो नहीं चला सकते, मतलब जो मालिक हैं उस कंपनी के। और एंड यूजर्स वो कि जो बेटा रेगुलरली उस डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और अपना डेटा जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं या उसमें एंटर कर रहे हैं। तो ये 3 आदमी होते हैं, ये हो गया बनाने वाला, ये हो गया मालिक संभालने वाला, और ये हो गया एंड यूजर उसमें डेली आके अपना डेटा देने वाला। बस अब बेटा क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सर आपने डेटाबेस तो हमें बता दिया, अब ये DBMS क्या है? तो देखो भाई, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम होता है, या आप उसे सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, जो कि हमें अलाउ करता है कि भाई हम अपने डेटा को क्रिएट कर सके, स्टोर कर सके, मॉडिफाई कर सके और एक्सट्रैक्ट कर सके अपनी इन्फॉर्मेशन को, किससे, हमारे डेटाबेस से। वो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स होते हैं बेटा, जो कि हमारे डेटाबेस को हम एक्सेस कर सकते हैं उनकी मदद से, मतलब उन्हें बना भी सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो MS Access है, लिब्रे ऑफिस है, तो ये हमें कई एप्लीकेशन मिल जाते हैं। अगर बात करें तो मेन फंक्शन जो डेटाबेस का होता है वो क्या होता है भैया, कि हमारे को वो एफिशिएंट मेथड्स दे पाए बेटा, और रिलायबल मेथड दे पाए, किस चीज के, डेटा स्टोरेज के, मॉडिफिकेशन के और रिट्रीवल के। ठीक है, फिर अगली बात आती है बेटा, डेटा को हम 2 टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में। एक तो होता है फ्लैट फाइल आप डेटाबेस बना रहे हो, या दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। फ्लैट फाइल में क्या होता है, आपके जो डेटाबेस है उसमें सिर्फ एक ही टेबल होगी बेटा, उसी में आपका सारा डेटा स्टोर होगा। ठीक है, ये होके जाएगा इसमें, वहां पे आपका डेटा जो है वो टैब्स और कॉमा की मदद से सेपरेटेड होगा। और वो कब सूटेबल होता है, जब आपका कम अमाउंट ऑफ डेटा है, मान के चलो आपको अपने घर में कुछ अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखा है, तो आप फ्लैट फाइल डेटाबेस भी बना सकते हो। वरना अगर आप रिलेशनल डेटाबेस बनाते हो बेटा, तो रिलेशनल क्या होता है कि डेटा वहां पे स्टोर होता है मल्टीपल टेबल्स में से, और उनको रिलेशनशिप बनाकर टेबल्स के बीच में से हम अपना डेटा क्या है रिट्रीव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। इसको हम कब यूज करते हैं, बेसिकली जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करना होता है। मान के चलो स्कूल में भाई बच्चों का डेटा रखा जा रहा है, तो बच्चों के अपने नंबर भी होंगे, घर के पते भी होंगे, पापा का नंबर भी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है, तो ये सब ज्यादा क्वांटिटी ऑफ डेटा हो जाती है ना। तो अपन बेटा मल्टीपल टेबल्स में डेटा को स्टोर करके रखते हैं, फिर टेबल्स में क्या बना लेते हैं, रिलेशनशिप। ठीक है, वैसे आपका है या नहीं कमेंट में बताना जरूर। अगला भाई क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अच्छा, अभी जो टेबल में रिलेशनशिप वाली बात है इसको आगे समझाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, ओके। एंड अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं बेटा, देखो जो डेटा है वो हमारा हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही स्टोर रहता है, यानी कि भाई अपना बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर में, एकदम उसका जो फॉर्मेट है कैरेक्टर वाला डेटा है तो वैसे ही रहेगा, टेबल में स्टोर रहेगा बढ़िया तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से, ओके। दूसरा क्या होता है, डेटा की अवेलेबिलिटी 24/7 रहती है। बाकी हमारी जो डेटा रिडंडेंसी है वो भी कम हो जाती है। डेटा रिडंडेंसी बेटा क्या होता है कि जब हमारा सेम पीस ऑफ डेटा डुप्लीकेट हो जाए अननेसेसरी, और कई सारा बार वो स्टोर हो जाए एक ही डेटाबेस में, उसे कहते हैं डेटा रिडंडेंसी, जिससे बेटा हमें क्या होता है काफी
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो चीज डेटाबेस बनाने से खत्म हो जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है बाबूजी, कि जो डेटा इनकंसिस्टेंसी है वो भी खत्म हो जाती है, मतलब कम हो जाती है एक तरीके से देखा जाए। क्योंकि जब रिडंडेंसी अगर आप कम अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे कि आपका जो डेटा है वो कॉपी होता रहेगा, तो फिर मान के चलो आपका हॉस्पिटल में था, आपने एक पेशेंट का डेटा कई सारी टेबल में रख तो लिया, पर बेटा आपने उनको मतलब लिंक नहीं कराया या उसमें रिलेशन नहीं बनाया, देन क्या होगा आपका, आपने एक जगह कुछ अपडेशन कर दिया बाकी जगह वो अपडेट ही नहीं हुआ है, तो फिर क्या होगा भाई, आपको कंफ्यूजन होगा, जिससे क्या होगा डेटा की जो इनकंसिस्टेंसी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पर हम अपना जो डेटाबेस बनाने से क्या हो जाता है, हमारी जो चीजें हैं वो एक ही जगह पर स्टोर हो जाती हैं, और भाई अपना जो काम है वो एकदम एक ही जगह चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें डेटा कंकरेंसी की, तो डेटा कंकरेंसी का मतलब ये बेटा कि अपना एक ही समय पर डेटा को कई सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं और उसकी कंसिस्टेंसी को भी वॉयलेट नहीं करेंगे। मतलब कहने का क्या है, जैसे आप ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो, आपके पास 50 सीटें बची थी, अब आपने भाई उसमें से आखिरी सीट बुक कर ली, उसी समय मान के चलो कोई दूसरा आदमी भी आ गया, तो बेटा उस समय क्या होगा, उसको दिख जाएगा कि सारी सीटें बुक हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि वो गलती से वो भी सीट बुक कर दे और फिर एंड टाइम पर जाओ तो आपके दोनों के पास टिकट हो लेकिन जगह तो एक ही हो। तो अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो डेटा की वॉयलेट नहीं होती है वहां पर। अगर हम बात करें अगली, तो भाई डेटा की सिक्योरिटी भी बनी रहती है बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी बैकअप एंड रिकवरी मैनेजमेंट भी वहां पर हमें रहता है। अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के, जिसमें कि सिर्फ आपकी अभी क्लास में क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं, डीआर डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखते हैं, मतलब डेटाबेस इन्हीं में मेन चलता है। बाकी जो डेटाबेस सर्वर है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस होते हैं। यहाँ पे जो यूजर्स हैं वो बेटा अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं किसको, सर्वर पर, और किस एक अपना इंटरफेस के थ्रू, फ्रंट एंड के थ्रू, और बैक एंड में प्रोसेस होकर उन्हें डेटा मिल जाता है। अब RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो बेटा ये वही क्या है, ये एक रिलेशनल मॉडल है जो कि भैया डेटा को सेवरल टेबल्स में स्टोर करके रखता है। उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल टेबल से हमको डेटा एक ही बार में रिट्रीव करके दे सकता है और हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। ये कैसे करेगा कि हम टेबल्स के बीच में रिलेशन बना लेंगे और हमें डेटा आसानी से हमारा मिल जाएगा। इसका भी काम वही डेटाबेस की तरह सेम है, क्या क्रिएट अपडेट और एडमिनिस्टर। बाकी इसके एग्जाम्पल है ओरेकल, लिब्रे ऑफिस, MS Access और साइबेस MySQL। अब बात कर लो ये कीज क्या होती है डेटाबेस में। देखो की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलेशनल डेटाबेस में, बिकॉज वो क्या होती है बेटा, वो यूज करी जाती है यूनिक रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए। मान के चलो मेरा ऐसी कुछ टेबल थी स्टूडेंट के लिए, अब बेटा क्या होगा, मैंने स्टूडेंट का नाम, पता, घर का एड्रेस सब कुछ स्टोर करके रखा है। मान के चलो भाई एक क्लास में बेटा ऐसी कौन सी चीजें बच्चों की जो डिफरेंट ही होती है हमेशा, भाई वो होता है उनका रोल नंबर, चाहे उनका नाम भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम होती है, भाई बहनों का तो एड्रेस भी सेम होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक रोल नंबर का कॉलम बना लेंगे और उसको अपन बना देंगे की। बनाने से क्या होगा कि हमें पता है यार इस फील्ड में जो जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल एक अलग अलग रिकॉर्ड को दर्शा रही है, कि पहले रोल नंबर का बिल्कुल अलग डेटा होगा, दूसरे का बिल्कुल अलग होगा, तीसरे का बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब दूसरी जो बात करें बेटा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी की क्या होती है, मतलब ये किसके टाइप से। प्राइमरी की बेसिकली अपना एक या एक से ज्यादा फील्ड या कॉलम का क्या होता है, ग्रुप होता है, जो कि बेटा हमारे एक यूनिफाई यूनिक रिकॉर्ड को दर्शाती है। मतलब जैसे मान के चलो जो मैंने आपसे कहा ना रोल नंबर वाली बात है कि वो क्या बन गई, वो आपकी अब की बन गई है एक, तो आपको वो पता है उससे कि वो अलग अलग रिकॉर्ड को दर्शाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी प्राइमरी की। अब भाई उसको अपन क्या कर सकते हैं, उसको बेटा रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरे टेबल के साथ। एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है यहाँ पर, तो वही आपको एग्जांपल दिया जाएगा कि बच्चों के भाई क्या है, अपना आईडी अलग अलग होती है, बाकी नेम, एड्रेस कभी कभार सेम हो सकता है, पर ये चीज तो हमेशा अलग ही होगी ना, तो इसको आप की बनाने के लिए यूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, बाकी इसको आप कभी भी नल नहीं कर सकते और इसको अपन मॉडिफाइड नहीं कर सकते, अपडेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर वो किसी फॉरेन की को रेफर कर रही होती है, तो फॉरेन की क्या है अभी बता रहा हूँ, उससे पहले जान लो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है। बेटा सिंपल बात है, मान के चलो किसी टेबल में यार अकेले एक एक फील्ड की दम नहीं है कि वो अब प्राइमरी की बन सके, मतलब कुछ ऐसा है जैसे कस्टमर ऑर्डर है और उनकी प्रोडक्ट आईडी है, तो यार अब एक कस्टमर भी कई सारे ऑर्डर कर सकता है, और भाई और अपने हर ऑर्डर की क्या होता है कस्टमर आईडी होती है, तो वो भाई जब सारे ऑर्डर एक ही आदमी ने करे तो उनकी आईडी भी सेम हो सकती है। तो ऐसे में हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि अकेले अकेले तो कोई फील्ड भी भाई प्राइमरी की नहीं बन सकती, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोनों का यूज कर लेते हैं, तो अपन उसे कहते हैं वहां पर जाके क्या कंपोजिट की। तो ये होती है कंपोजिट की। अगर हम बात करें बेटा अगले रिकॉर्ड की, वहां पर वो अगला जो टॉपिक है वो क्या है फॉरेन की। देखो फॉरेन की कुछ नहीं होता, जैसे मान के चलो बेटा यहाँ पर मेरा रोल नंबर था, ठीक है, ये क्या था इस फील्ड के लिए, इस टेबल के लिए प्राइमरी की था, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए अलग अलग था, और यहाँ पर क्या था ये उन्हीं दो रोल नंबर्स के आपको परसेंटेज और ग्रेड बता रखे थे, यहाँ पे नाम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, यहाँ पे परसेंटेज, ग्रेड, बस ये दोनों अलग अलग टेबल में थे। तो मैंने क्या करा भाई, इसको इस टेबल का प्राइमरी की मान लिया और फिर इसका रिलेशन बना दिया इसके टेबल के इस वाली फील्ड से। तो अगर मैं कहूंगा कि यार इस रोल नंबर जो है वो इस रोल नंबर से कनेक्टेड है, ये रिलेटेड है, तो ये जो फील्ड है ना ये बेटा क्या हो जाएगी मेरी, ये फॉरेन की हो जाएगी। मतलब जब आप एक
जो प्राइमरी की है वो जिस दूसरी की को पॉइंट कर रही है किसी दूसरे टेबल में, उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको हम फॉरेन की कहते हैं। मतलब वो क्या हो जाती है हमारे लिए, फॉरेन की हो जाती है कि ये भाई बाहर वाली टेबल की वो की है जो हमारा यूनिफाई रिकॉर्ड जो है वो बता रही है, ये आप समझ सकते हैं। कैंडिडेट की क्या होता है, देखो यार किसी टेबल में एक से ज्यादा ऐसी फील्ड भी हो सकती है जो अकेले प्राइमरी की बनने की दम रखती हो। मान के चलो भाई आपका क्या है, जैसे कभी कभार आपका जो अपना डेट ऑफ बर्थ है या डेप, एक आपका डेप आईडी हो गया और एक आपका आईडी हो गया, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमेशा डिफरेंट ही रहेंगी बेटा हर एक आदमी की। तो भाई उसमें क्या होगा, ये दोनों अकेले प्राइमरी की बन सकती है, हमारे ऊपर है किसको बनाना चाहें। ठीक है, अगला जो भाई आता है वो आता है बेटा आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो मेनली चार ऑब्जेक्ट है, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट। टेबल आपको पता ही है भाई, उनमें डेटा स्ट्रक्चर मैनर में शो होता है रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। उनमें भाई नंबर ऑफ कॉलम्स तो जो है वो होते हैं, पर उनमें इनफाइनाइट रोज हो सकती है। नंबर ऑफ कॉलम्स है वो फाइनाइट होते हैं, पर रोज जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, बस ध्यान रखना। एलिमेंट क्या होते हैं, फील्ड होती है, जान ही लिया फील्ड क्या है भाई, अपनी वही कॉलम्स हो गए। रिकॉर्ड्स पता ही है रोज होती हैं, और डेटा, डेटा तो पता ही है सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वैलिड वैल्यू, उसे अपन क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो मैं एक डायग्राम देखे सब समझ ही सकते होंगे। क्वेरीज क्या होता है, देखो क्वेरी में मतलब बेटा ये वो ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का जिसको अपन बना के ना अपने टेबल से डेटा को रिट्रीव करते हैं। मतलब हमें कोई चीज चाहिए कि हमने कहा अच्छा टेबल रिजल्ट में देखो कि भाई 102 रोल नंबर का रिजल्ट क्या है और उसकी परसेंट और उसका क्या कहते हैं फेल हुआ या पास हुआ ये बता दो हमें। तो वो चीजें हम जब रिट्रीव करना चाहते हैं डेटा तो अपन क्या करते हैं, क्वेरीज का यूज करते हैं इंसर्ट डिलीट और अपडेट करने के लिए। बाकी फॉर्म्स कब यूज करते हैं बेटा, जब अपने को क्या होता है डेटा लेना होता है यूजर से, एक्सेप्ट कराना होता है। भाई आपको कोई फॉर्म देता है आप क्या करते हो, फॉर्म को फिल करके दे देते हो, तो ये चीज बिल्कुल सेम होती है यहाँ पर भी फॉर्म के, वो क्या करता है एक्सेप्ट करता है डेटा यूजर से। रिपोर्ट्स क्या होती है, रिपोर्ट बेटा हमारे डेटा को प्रिंटेबल फॉर्मेट में दिखाती है कि हाँ आप सीधे इनका प्रिंट निकालो अपने पिताजी को दे आओ जाके। अब भाई हम डेटा को जब स्टोर करते हैं डेटाबेस में तो उसके कई सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं बेटा। वो क्या है फॉर्मेट, जैसे आप देखें कुछ 11 फॉर्मेट है हमारे पास। टेक्स्ट अगर आप स्टोर कर रहे हैं तो उसका आप फॉर्मेट यहाँ पर बता सकते हैं, उसमें आप नंबर और एबीसीडी दोनों लिख सकते हैं। अगर आप सिर्फ नंबर ही उस फील्ड में डालने वाले हैं कॉलम में तो आप वो भी वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इनके साइज यहाँ पर लिखे हुए हैं कंप्यूटर की भाषा में, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। मेमो में आपको क्या कि बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ नंबर रखना होता है कि मतलब कुछ इतने कैरेक्टर्स तक। डेट एंड टाइम अगर आप वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल में तो वो भी बता सकते हैं, करेंसी का है तो वैसा करिए। अगर आप कुछ वेरिएबल अपना सेल में क्या यस नो में से कोई जैसे वो वाला काम होता है ना, वो वाला आपको डेटा स्टोर करना है तो आप वो वाला भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ओएलई मतलब क्या होता है बेटा कि आपको किसी बाहर के अपने एप्लीकेशन से क्या अपना कोई जो डॉक्यूमेंट है उसको एम्बेड कराना है, एम्बेड मतलब उसमें लाना है आपको अटैच करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम साइज हो सकता है 2 GB। हाइपरलिंक अगर आप लिख रहे हैं तो वो भी डेटा स्पेसिफाई कर सकते हैं। लुकअप विजार्ड क्या होता है बेटा, ये आपको हमारी फील्ड हुज वैल्यूज आर चूजन फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन अदर टेबल ऑफ क्वेरी और लिस्ट। मतलब बेसिकली क्या है कि ये उस डेटा को स्टोर करने के लिए चूज किया जाता है जिसका डेटा हम किसी और टेबल या क्वेरी लिस्ट से ले रहे हैं। बाकी अटैचमेंट में भी आप वही इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल को अटैच कर सकते हैं, आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं फील्ड में कि हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है। कैलकुलेटर मतलब अगर आपने ये लिख दिया तो इसका ये हो जाएगा कि भैया आप कोई ऐसी फील्ड बना रहे हैं जो कि डिस्प्ले करती है ऐसी वैल्यू को जिसको कैलकुलेट किया गया है उसी डेटा के टेबल, मतलब उसी टेबल के डेटा से, तो आपकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। अगर हम चले बेटा आगे तो यहाँ पे अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेटा क्या होता है, ये हमारी इंप्लीमेंट होती है जब जब हमारा यूजर क्या चाहता है कि वो दो टेबल से डेटा को फेच करना चाहता है रिलेशनशिप बनाकर। ये पॉसिबल जब भी होता है बेटा कि भाई एक अपना दोनों टेबल में क्या हो, एक कॉमन फील्ड हो, उसमें भी रोल नंबर हो और उसमें भी क्या हो रोल नंबर हो, या कोई भी कॉमन फील्ड्स होती हैं, तो तभी हम उनको आपस में रिलेट कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है बेटा, रिलेशनल इंटीग्रिटी रूल होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि उसका कहना ये है कि भाई हमारा जो एक टेबल की अपनी की है उसकी एकदम बिल्कुल मैचिंग की प्राइमरी की होनी चाहिए। मतलब जैसे इसमें जो रोल नंबर 101 से लेके 110 तक है, वो ऐसे ही दूसरी टेबल में भी 101 से 110 तक के होने चाहिए। उनमें कहीं भी ऐसा नहीं कि पता चला उसमें 107 है ही नहीं और पता चला इसमें 106 नहीं है, ऐसा नहीं भाई। बिल्कुल सब चीजें दोनों में सेम होनी चाहिए, प्राइमरी की और फॉरेन की जो डेटा है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी हमारी जो डेटा की एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है उसको क्या करता है, एंश्योर करता है कि हाँ आपका डेटा कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगा या चेंज नहीं होगा। और ये हमको अलाउ भी नहीं करता बेटा कि हम कोई भी अपना फॉरेन की में क्या करें, डेटा ऐड कर सकते हैं। कि मान के चलो मेरा जो अपनी चाइल्ड टेबल थी जिसको मैं फॉरेन की मान रहा था, तो मैंने कोई डेटा बढ़ा रहा हूँ मैं उसकी प्राइमरी, उसकी इस वाली फील्ड में, तो बेटा मैं बढ़ा ही नहीं सकता जब तक मैं अपनी मेन प्राइमरी की में वो डेटा नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मुझे फॉरेन की में बढ़ाने दिया ही नहीं जाएगा उस वाली फील्ड में, समझ गए। तो ये हमारा बेसिकली कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, बाकी ये रूल है एक आरडीबीएमएस में। ठीक है, अगर हम चले आगे तो बेटा हमसे पूछा जाता है रिलेशनशिप क्या होता है। तो बेसिकली रिलेशनशिप कुछ नहीं, लिंक्स होते हैं जो कि भाई एक फील्ड से दूसरी फील्ड में क्या करते हैं, नाता जोड़ते हैं दो दो टेबल के। ओके, बाकी अगर हमें दोनों टेबल से कॉमन डेटा फेच करना होता है तो इनका हम यूज करते हैं। बाकी रिलेशनशिप बनाकर हम दोनों ही टेबल की साइड से क्या कर सकते हैं, डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। ओके,
यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज मैचिंग फील्ड्स आर द प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल एंड फॉरेन की इन द अदर। के कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हो तो एक टेबल की तो प्राइमरी की मानी जाती है और एक टेबल की क्या मानी जाती है, फॉरेन की मानी जाती है। मतलब वो हमारे कहने के ऊपर है कि भाई अगर इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की, अगर इस टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये प्राइमरी की और ये फॉरेन की, ऐसा हो जाता है। मतलब बाहर वाला क्या होता है, फॉरेन ना, ऐसे ही समझो। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, असल में बेटा क्या होता है, रिलेशनशिप के प्रकार भी होते हैं, जैसे वन टू मैनी, वन टू या वन टू वन, या फिर मैनी टू मैनी। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो आपकी दो टेबल थी बेटा जी, यहाँ पर आपका क्या है, एक में तो आपने लिख दिया स्टूडेंट का रोल नंबर है, यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है। दूसरी टेबल में आपने रोल नंबर लिखा, लेकिन उसके संग हमने क्या लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया और उसका क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी लिख दी। तो अब देखो क्या है बेटा, ये जो इस टेबल की जो ये है अपना रोल नंबर है, ये क्या करता है, अपने दूसरे वाले जो टेबल है उसके दो फील्ड से क्या कर रहा है, अपना नाता जोड़ता हुआ दिखा रहा है कि भाई वो डेटा से भी उसका ना, वो डेट ऑफ बर्थ से भी नाता है और अपने एड्रेस से भी नाता है। मतलब सिर्फ एक फील्ड से ही नाता नहीं है, दो दो फील्ड से नाता है वहां पर। ये हम वहां पर बताना चाहते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप और रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन हैव ओनली वन मैचिंग रिकॉर्ड इन अनदर टेबल एंड वाइस वर्सा। कि मतलब जैसे आपका आधार कार्ड होता है ना बेटा, कि भाई एक पर्सन का क्या हो सकता है, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, एक सेकंड रुक जाओ, रेक्टिफाई करने दो मुझे। ये जो मैंने आपको बात बताई है इसको मैं इरेज करता हूँ, दोबारा आपको समझाता हूँ। ये मैं वन टू मैनी के लिए आपको मैंने बता दिया यहाँ पर, जबकि मुझे वन टू वन के लिए बताना था। पहले मैं वन टू वन के लिए आपको बता दूँ क्या, कि जैसे आपका आधार कार्ड का जो डेटाबेस होता है ना बेटा, उसमें क्या है कि भैया एक जो अपना आदमी है उसका जो आधार नंबर है उससे उसका एक ही यहाँ पर क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। ऐसा नहीं कि एक आदमी के दो दो नाम हो। तो अगर आप यहाँ पर बेटा उसकी आधार नंबर वाली फील्ड देख रहे हो, यहाँ पर उसकी आधार अपना नाम वाली फील्ड है, तो वो भाई बिल्कुल मैच करेंगी, एक ही एक उसमें होगा, कोई भी ऐसा नहीं कि दो तीन अपनी चीजें आ जाए वहाँ पर। जैसा कि देखा जाए भैया जी, यहाँ पर क्या है, ये आपका आधार नंबर है, ये आपका क्या है, एक अपना नाम लिखा हुआ है, तो भाई उसी आधार नंबर से एक ही नाम जुड़ सकता है। ऐसा नहीं कि दो तीन ना चार नाम जुड़े होंगे, नहीं, एक ही अपनी चीज होती है मैचिंग की, रिकॉर्ड होता है। अगर हम बात करें वन टू मैनी की, तो उसमें क्या होता है बच्चा पार्टी, कि वो ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर एक जो रिकॉर्ड है टेबल का हमारी, वो एसोसिएट होता है कई सारे रिकॉर्ड ऑफ अनदर टेबल से। कहने का सेंस क्या है मेरा, यहाँ पर आके समझो, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है, ये 101 वाले बच्चे का नाम क्या है, सुनील। लेकिन अगर हम यहाँ पर आएंगे तो अपने को क्या पता चल रहा है कि 101 वाले बच्चे की प्रोजेक्ट आईडी भी है एक अपना, ये 1 2 3 4 5। तो ये जो 101 वाला बच्चा है, ये बेटा दो चीजों से जुड़ा हुआ है, एक तो अपने नाम से और एक अपनी प्रोजेक्ट आईडी से। तो ये दोनों क्या है, 101 से रिलेट करती है। मतलब हमारे इस टेबल का एक एलिमेंट अपना है जो उसके दो मैचिंग के रिकॉर्ड हमको यहाँ मिल जाने वाले हैं। तो ये होता है वन टू मैनी का। लेकिन यहाँ पर जो अपन ने देखा था कि एक आधार नंबर से एक ही नाम, ये होता है वन टू वन का रिलेशनशिप। अगर हम आगे चल के देखें बेटा, तो अगले हमारे पास आता है क्या, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। वैसे ही आपके सिलेबस में भी है नहीं, पर इसमें क्या होता है बेटा, आप डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी है, उसका नाम भी दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आपको कोर्स आईडी दी गई है और उसमें आप सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या बता दिया गया कि 101 वाले बच्चे का नाम है नेहा। अब आपने एक टेबल बनाई दूसरी की, उसमें आपने क्या लिख दिया, 101 वाले के सामने लिख दिया ये वाली कोर्स आईडी। ठीक है, अब ये वाली जो कोर्स आईडी है ये किससे लिंक है, ये इंग्लिश से लिंक है। तो अब आपको क्या मिल रहा है बेटा कि दो मतलब अलग अलग, जैसे क्या है यहाँ पर, दो वन टू वन रिलेशनशिप है। अगर आप देखें तो 101 का पहला एक रिलेशनशिप है नेहा से, दूसरा क्या है, और ये ओई का रिलेशनशिप है किससे, इंग्लिश से। अब इन दोनों रिलेशनशिप को अपन ने क्या करा है, कंबाइन करा है। कंबाइन किसकी मदद से करा है, एक ये बेटा तीसरी टेबल जो अपन ने बनाई है नीचे, जॉइंट टेबल बनाई है। जॉइंट टेबल में क्या करा है कि इसकी जो 101 था उसको किससे अपन ने मैच कर दिया, ये ओई से मैच कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे दो वन टू वन रिलेशनशिप आपस में आके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारा जो एक टेबल के दो रिकॉर्ड्स हैं उनके क्या हो सकते हैं भाई, आपस में एक से ज्यादा वहां पे मैचिंग के रिकॉर्ड मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो 101 वाले स्टूडेंट का ही क्या होगा, अपना ये कोर्स आईडी और ये नेम होगा सब्जेक्ट का, और नेहा वाले का भी अपन सेम चीज यहाँ पर बता सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कहें तो कि 101 वाले स्टूडेंट का नाम भी यही होगा और कोर्स आईडी भी यही होगी और नेहा भी, वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट नेम भी यही होगा। आप आसानी से समझ सकते हैं कि दो आपने चीजें यहाँ बनाई थी और उन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे आके लिंक कर दिया। ऊपर क्या था, ऊपर भैया सिंगल सिंगल काम खेल रहे थे कि यहाँ पे उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी लिख दिया, बस ये है। ठीक है, अगर हम चले आगे तो बच्चा हमको मिलता है क्या, फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या करनी है। तो ये बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ नहीं है। फील्ड में प्रॉपर्टी डालते समय आपको फील्ड साइज पूछा जाता है कि आप कितने करेक्टर्स मैक्सिमम आप लिख सकते हो। फॉर्मेट पूछा जाता है कि आपको किस फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले कराना है। कैप्शन के मतलब आपका कोई जरूरी है स्टेटमेंट वहाँ पर डेटा स्टोर करते समय तो आप दिखा सकते हैं। वैलिडेशन रूल की ये क्राइटेरिया दिखाता है कि आप कितनी लिमिट की वैल्यू एंटर कर सकते हो। वैलिडेशन टेक्स्ट, ये वो टेक्स्ट होता है बेटा कि अगर यूजर ने डेटा डाला है और वो आपके मतलब फॉर्मेट से डेटा मैच नहीं करता है तो फिर जो मैसेज
डिस्प्ले होना चाहिए वो हम वैलिडेशन टेक्स्ट में लिख देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू वो कि जो पहले से डली आ जाएगा, कुछ ना डालनी हो। रिक्वायर्ड लगाने से बेटा ये होता है फील्ड में किसी में भी कि भाई इसका तो डेटा डलना ही डलनी है, इसको अपन खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये कुछ बातें होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशनशिप वाला जो काम है वो समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर आता है क्राइटेरिया यूजिंग वाइल्ड कार्ड। देखो वाइल्ड कार्ड है क्या, ये हम आ चुके हैं असल में क्वेरीज पर। तो जब अपन क्वेरी लिखते हैं, जब डेटा को अपने को रिट्रीव करना है, निकालना है टेबल में से, तो वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, कुछ एक स्पेशल करेक्टर होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एक्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मोर करेक्ट वन और मोर करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। मान के चलो बेटा आपको डायरेक्टली क्या है, आपको नाम पता है बंदे का, ठीक है, उसका नाम है रजत, लेकिन उसकी सिटी का नाम नहीं पता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये पता है कि उसकी सिटी का नाम डी से शुरू होता है, तो आप क्या करोगे भाई अपना क्वेरी बनाते समय आप ये लिख सकते हो वहां पे कि हाँ भाई जो भी है डी से शुरू हो रहा है वही इसका है। तो आप डी से कैसे शुरू हो रहा है ये हम बताएंगे कैसे वहां पर। तो हम किसका यूज करेंगे, वाइल्ड कार्ड का, क्योंकि ये एक या एक से ज्यादा करेक्टर को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, इन्होंने मतलब उनकी जगह ले ली है। जैसे आप एस्ट्रेस का यूज कर सकते हैं, इन पे आप इनके यूज पढ़ सकते हैं आराम से, मैंने आपको पूरी टेबल दी, आप इनको पढ़ के अपने आप समझ सकते हैं, बहुत आसान बातें हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले तो आप इनको ऐसे यूज भी कर सकते हैं, मैंने पूरा दिखाया हुआ है, बस आपको 2 मिनट अपने देने पड़ेंगे जरूर, तो सारा काम जो है वो बन जाएगा। उसके बाद अगर हम चले तो बेटा अपने को क्वेरीज में ऐसे फंक्शन लगाने का भी ऑप्शन मिल जाता है, एवरेज है, काउंट है, मैक्सिमम मिनिमम का, सम का और ग्रुप बाय का, ये भी आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इनमें मेरे को कुछ समझाने वाला तो लग नहीं रहा है। अगला जो आ जाता है वो आ जाता है बेटा क्या, एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है यार, देखो एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जो कि आरडीबीएस में यूज करी जाती है, किसके लिए, क्वेरी लिखने के लिए। एसक्यूएल का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, टेबल से डेटा को फेच कर सकते हैं, उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब एसक्यूएल में दो टाइप के कमांड होते हैं, एक होता है डीडीएल और एक होता है डीएमएल। डीडीएल क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल क्या हुआ, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसको समझो ये होता क्या है बेटा, एसक्यूएल क्या है, एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप क्या करोगे, डेटाबेस से क्वेरी लिखोगे आप, पर आपको क्वेरी क्या, कीबोर्ड अपना वैसे जाके बनानी नहीं पड़ेगी डेटा शीट व्यू या डिजाइन व्यू में, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड पर कुछ कमांड्स लिखने होंगे, आपका डेटा अपने आप रिट्रीव होकर आपके पास आ जाएगा, उसी चीज को कहते हैं अपन ये एसक्यूएल। अब ये जो डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इन कमांड्स का बेटा यूज करा जाता है हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए। मान के चलो आपको कोई नई टेबल बनानी है, या किसी टेबल को हटाना है, या कोई क्वेरी बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, फॉर्म बनाना है, या किसी को डिलीट करना है, तो उसके इसमें तो होता है ये डीडीएल कमांड्स का यूज। इसमें क्या आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, टर्न कैट और रीनेम। क्रिएट क्या, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। अल्टर क्या, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। ड्रॉप, डिलीट एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। टर्निकेट, रिमूव ऑल टेबल रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग एलोकेटेड टेबल स्पेसेस। रीनेम, रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस और टेबल। तो बेसिकली आप सब बातें समझ ही गए होंगे कि टर्निकेट क्या करेगा, सारे टेबल में जितने रिकॉर्ड है हटा देगा, बाकी ड्रॉप क्या करेगा, किसी पुरानी टेबल या डेटाबेस को डिलीट कर देगा, और क्या अपना अल्टर क्या करेगा कि भाई मॉडिफाई कर देगा हमारे डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, और क्रिएट क्या करेगा, कोई नया ऑब्जेक्ट डेटाबेस में या खुद नया डेटाबेस वो बना सकता है। आप पूरा बेटा ये जो डेटाबेस का काम है आप कोडिंग से कर सकते हो, आपको एमएस एक्सेस मतलब वैसे माउस और कीपर से काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कोड लिख के भी काम कर सकते हो। दूसरी टाइप की जो कमांड है वो होती है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये यूज करी जाती है बेटा डेटा को मॉडिफाई करने के लिए। अभी तक तो सिर्फ आप डेटाबेस और उसके ऑब्जेक्ट के संग खेलछाड़ कर रहे थे, पर अब आप उनके अंदर के डेटा के संग कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हो वो आता है इन कमांड्स की मदद से। आपको सिलेक्ट कमांड मिल जाएगा जिससे आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो किसी टेबल के अंदर से। इंसर्ट कमांड मिल जाएगा जिससे आप इंसर्ट कर सकते हो किसी भी टेबल के अंदर डेटा। अपडेट मिल जाएगा जिससे आप बेटा किसी भी पुरानी टेबल का डेटा अपडेट कर सकते हो, या फिर आपको क्या मिल जाएगा, डिलीट मिल जाएगा जिससे आप किसी भी टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हो। ये जो सारी कमांड्स है ये टेबल में ही है, बाकी ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए चालू है, ठीक है। अब देखो कॉमनली यूज जो है, जैसे क्रिएट कमांड है, क्रिएट का कैसे यूज करते हैं, मान के चलो मुझे एक नई टेबल बनानी है, तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में क्रिएट लिखूंगा, देन उसके बाद एक टेबल लिखूंगा ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में, और फिर उसके बाद अपनी टेबल का नाम डाल दूंगा, और ये पैरेंथेसिस इन्हें कहते हैं ये लगा दूंगा, बाकी उसके अंदर जो भी मुझे फील्ड बनानी है तो मैं फील्ड का नाम इधर इधर लिखूंगा, उसके बाद जो भी मुझे उसका डेटा टाइप रखना है कि भाई इंटीजर है, मेमो है, टेक्स्ट है, जो आप पढ़ गए थे वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बाकी अपनी कितनी फील्ड बनानी है कॉमा से आप मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर, और फिर अंत में ये पैरेंथेसिस के बाद सेमी कॉलन लगा दूंगा। जिन भी बच्चों ने थोड़ी भी कोडिंग करी उन्हें समझ आ गया होगा बातें क्या है। वैसे मान के चलो मैंने क्लाइंट नाम की टेबल बना दी, उसमें पहला कॉलम बनाया क्या क्लाइंट आईडी का जिसका फॉर्मेट है इंटीजर, दूसरा कॉलम बनाया फर्स्ट नेम जिसका फॉर्मेट है वेरकेर और मतलब कैरेक्टर है, और बाकी इसकी मैंने लिमिट भी डाल दी यहाँ पर कितनी 20। फिर दूसरा है अपना तीसरी फील्ड है लास्ट नेम जिसका भी फॉर्मेट यही सेम वेरकेर है, बाकी उससे भी लिमिट कितनी है 20, और मोबाइल नंबर भी क्या डाल दी अपन ने अपना आखिरी फील्ड, और उसका भी फॉर्मेट अपन ने कैरेक्टर में ही डाल दिया जिसकी अपन ने दे दी 20। अब ये जो आपकी टेबल बनेगी ये बेटा कैसी बनेगी, यहाँ पे आपके चार कितने 1 2 3 4 हो गई है, यहाँ पर आपका जो है यहाँ पे लिखा होगा आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पे होगा लास्ट नेम, और यहाँ पर होगा आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें यहाँ पर बनेंगी, ठीक है।
और हाँ एक तो मैं भूल गया, क्लाइंट आईडी। तो ये चार फील्ड यहाँ पर बन जाएंगे और इनमें इनका डेटा जो है वो स्टोर होता जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले बेटा यहाँ पर, ये आप स्टेप देख लीजिएगा कैसे क्या कराने। स्टेप इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ज्यादा आप पूछे नहीं जाते। बाकी अगर आप कोई प्राइमरी की बनाना चाहते हैं अपने कमांड के थ्रू, तो आप वो भी ये देख के आप कर सकते हैं कि आप उसके बस आके फील्ड के आगे क्या लिखना होता है, प्राइमरी की लिखना होता है। बाकी प्राइमरी की आपको नॉट नल देनी है क्योंकि प्राइमरी की आपकी कभी भी खाली नहीं हो सकती। ओके, इंसर्ट कमांड का कैसे यूज कर सकते हैं? इंसर्ट क्या करता है, हमारे टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करता है। तो भाई आपने इंसर्ट लिखा, उसके बाद आपको इनटू लिखना होता है, देन टेबल का नाम लिख दो, फिर वही पैरेंथेसिस के अंदर आपने फील्ड के नाम डाले जो भी आपके कॉलम्स हैं, उन पैरेंथेसिस को बंद करा, फिर आपने नीचे क्या लिखा, वैल्यूज, और उनके अंदर बेटा इसी के अकॉर्डिंग आप एकदम लाइन वाइज चलते जाइए, वैल्यू लिखते जाइए, ठीक है। फिर आप पैरेंथेसिस लगा के दोबारा ये सेमी कॉलन लगा दीजिए। ये आपको सिंटेक्स ध्यान रखना, अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो आपकी काम नहीं होगा सही से। अब यहाँ पे बेटा जो दूसरा देखो तरीका होता है क्या अपना डेटा आपको इंसर्ट करने का, आप डायरेक्टली क्या करो, आपको ये जरूरत नहीं है कि आप ये फील्ड के नेम लिखो, कोई जरूरत नहीं है। पर उसमें क्या हो जाता है भाई, डेटा हमारी लाइन से जो लगी हुई फील्ड है ना उनमें चला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अपना कहा कि टेबल नेम में मुझे डेटा डालना है, वैल्यूज क्या लिखा, और फिर वैल्यू में मैंने अपनी पैरेंथेसिस के अंदर तीन वैल्यू डाल दी, तो जो मेरे टेबल की शुरुआत के तीन कॉलम होंगे ना उनमें क्या होगा, मेरा डेटा चला जाएगा। लेकिन इसकी मदद से मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि मुझे किस कॉलम को छोड़ना है, किस कॉलम में डालना है। अगला जो भाई कमांड मिल जाता है वो होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है बेटा, हमारे मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर सकता है किसी भी टेबल में से। इसमें हम एक थोड़ी कंडीशन भी लगा सकते हैं, वेयर या ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करके। जैसे देखिए कैसे करना है, आपने लिखा सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद इसे कहते हैं एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क लगाया, फिर आपको लिखना होता है फ्रॉम, उसके बाद आपने टेबल का नेम डाला और ये सेमी कॉलन लगा दिया। फ्रॉम का मतलब क्या है, ये बेटा टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट कर लेगा और आपके सामने शो कर देगा। जैसे मैंने कहा रिजल्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड को क्या कर दो, सिलेक्ट कर दो, तो ये मेरे सामने पूरी ऐसी बेटा क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा मेरे सामने। अगर मैं कहूंगा कि भाई कुछ ऐसी कंडीशन हो कि जहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या हो, वो पास हो, वही वाले मुझे अपने रिकॉर्ड दिखाने हैं, तो आप क्या करोगे, आपने कहा भाई सिलेक्ट करना, ठीक है, आपने कॉलम, अच्छा फिर उसमें भी आप ये बता सकते हो कि आपको सारे कॉलम चाहिए भाई उसके, या आपको अगर एस्ट्रिक्स दिखाते हो उसका मतलब हो जाता है सारे कॉलम, या अगर आप अलग से कॉलम नेम भी लिख सकते हो जो जो आपको चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरे को जो है कि आपका, यहाँ पर नीचे दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको, हाँ मेरे को जो है आपका फील्ड वन चाहिए, फील्ड टू चाहिए टेबल से, ठीक है। यहाँ से क्या चाहिए, फील्ड वन हो गई ये और फील्ड टू हो गई ये मेरे को चाहिए, और फ्रॉम मैंने लिख दिया टेबल नेम रिजल्ट, और बाकी वेयर, वेयर के आगे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मेरा क्या हो, रिजल्ट जो है, रिजल्ट बराबर मेरा पास हो, ऐसे मैंने लिख दिया। तो मेरे को क्या चाहिए, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी और कॉमा फर्स्ट नेम, फ्रॉम फ्रॉम टेबल ये है, और वेयर जहाँ पर क्या हो, रिजल्ट जो है हमारा पास हो, ये पास आपको इसके अंदर ही लिखना है क्योंकि उससे स्ट्रिंग पता चलती है। देन सेमी कॉलन लगा दीजिए, आपका ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक ऑपरेटर, वेयर ऑपरेटर, आप यहाँ से इनका यूजेस भी देख सकते हो आसानी से। और जैसे ऑर्डर बाय क्लॉज होता है, ऑर्डर बाय में क्या, क्या आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए होता है तो बेसिकली आपको बस क्या लिखना है, फिर टेबल नेम के बाद ऑर्डर बाय लगाना होता है, ऑर्डर बाय लगाने के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, फिर अपना फील्ड का नाम लिख देना है। और अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए होता है तो आपको क्या लिखना है भाई, टेबल नेम के बाद आपको कोई कंडीशन है वो लिखी, वरना सीधे अपने ऑर्डर बाय लगाया, फर्स्ट नेम फील्ड के बाद डेस्क लिख दिया, बस ये होता है, ठीक है। ऑर्डर बाय के बाद ही हमेशा आपको फील्ड नेम लिखना होता है। अब यहाँ पर भाई क्या हो जाएगा, आपका अपडेट कमांड आता है। अपडेट कमांड में क्या कि आपको कोई मॉडिफाई करना है पुराना रिकॉर्ड, तो आप कैसे कर सकते हो, आपको अपडेट लिखना है, टेबल का नाम लिखना है, उसके बाद आपको सेट कीवर्ड का यहाँ पे यूज करना होता है, देन आपको फील्ड का नाम लिख देना है, उसमें वैल्यू का डालनी है, वो लिख सकते हो, ठीक है। तो वहां पे आपके कॉलम वन की जो है वो ये कर दो, कॉलम टू की जो है ये कर दो। आपको कैसे पता कि मुझे भाई अभिनव की करनी है, मैं कैसे करूंगा सर अभिनव की, तो मेरे को आपके पास बेटा यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी वेयर के साथ कि भाई तुम उस वाले में जाना कि जहाँ पे जो रिजल्ट है, देखो रिजल्ट तो पास तीन में है, तो हम इसे और स्पेसिफाई करेंगे कि यहाँ की जो स्टूडियो स्टूडेंट आईडी है वो कितनी हो, स्टूडेंट आईडी कितनी हो, 103 हो। तो आपने ये लिख दिया यहाँ पर, ये लिखने से बेटा क्या साबित हो जाएगा कि अपना भाई उसका जो आपको जो चेंजेस करने हैं वो उसी वाले रिकॉर्ड में आगे जाके होंगे, उसी के लास्ट नेम फर्स्ट नेम और रिजल्ट में चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे हुआ भी है कि अपडेट करो रिजल्ट टेबल में, सेट कर दो किसको, लास्ट नेम जो है उसको शर्मा कर दो, और जहां पर क्या हो, तुम्हारी स्टूडेंट आई थी 103 हो, तो वहां पर ऐसा चेंज करना है। डिलीट एक कमांड होती है जिसको बेटा पुराने रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए यूज कर सकते हो। इसका भी आप सिंटैक्स यहाँ से आसानी से देख सकते हो कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, फिर वेयर जहाँ पर क्या स्टूडियो स्टूडेंट आईडी 105 हो, तो ये पूरा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, 105 वाला डिलीट हो जाएगा सौरभ का। तो देखिए अब यहाँ पे 105 नहीं आया है। ड्रॉप क्या होता है, आपका बेटा ये टेबल को ही ड्रॉप करने के लिए होता है, मतलब कोई पूरा एलिमेंट ही आपको गिराना हो, ऑब्जेक्ट गिराना हो, तो ड्रॉप टेबल लिखा, टेबल का नाम लिखा, कहानी खत्म, वो टेबल ही चली जाएगी डेटाबेस में से। इसी के साथ बेटा आपको पूरी रिवीजन खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बेटा और बताओ मुझे, क्वेश्चन करने हो तो कमेंट करना, अगर फिर आप बेटा और मजा आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू, जय भोले की।